नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद मंडोतिया, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विषय पावर सिस्टम फर्स्ट, जिसका कोड है EE207 के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। उसकी प्रथम यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम में हम देखेंगे कि कैसे पावर जनरेट होती है, कैसे पावर ट्रांसमिट होती है और कैसे आपके घरों तक लाइट आती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जनरेशन से लेकर आपके घर के स्विच तक, जहाँ से आप अपने अप्लाइंसेज यूज़ करते हैं, जैसे आपका टीवी हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, आपका मोबाइल हुआ, आपकी एनी टाइप ऑफ एसेसरीज आप जो यूज़ करते हैं, वहाँ तक जो पावर आती है वो पूरा सिस्टम हमारा पावर सिस्टम कहलाता है। तो हम इसको तीन टाइप्स में लेते हैं, तीन टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट होता है जनरेशन ऑफ पावर, दूसरा होता है ट्रांसमिशन ऑफ पावर और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जनरेशन ऑफ पावर को हम कहते हैं जनरेशन सिस्टम, और जनरेशन सिस्टम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल पावर जनरेशन और दूसरा होता है रिन्यूएबल पावर जनरेशन। कन्वेंशनल जनरेशन पावर सिस्टम में आप जानते हैं कि थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर के नाम आते हैं। थर्मल पावर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिससे अपने KTPS हो गया, STPS हो गया, जहाँ पर कोल को जलाया जाता है, उससे स्टीम बना के टर्बाइन जलाई जाती है, उनको हम कहते हैं थर्मल पावर जनरेशन। दूसरा होता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन। न्यूक्लियर पावर जनरेशन वो होता है जहाँ पे हम न्यूक्लियर फ्यूल्स को कंबशन करते हैं और उसकी हीट को हम मॉडरेटर का उपयोग करते हुए स्टीम बनाते हैं और स्टीम टर्बाइन चलती है। दैट मीन्स ये बड़े लेवल के जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं और ये हमेशा हमारी सिटीज से, हमारी लोकेलिटी से बहुत दूर सिचुएटेड होते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर वहाँ से हमारी एनर्जी को लाने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है उन्हें हम ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस बहुत ही हाई वोल्टेज लाइन होती है। जैसा कि हम सब लोग, आप लोग जानते होंगे कि जितने उच्च वोल्टेज होता है उसका रेजिस्टेंस मिनिमम रखा जाता है, ताकि हमारे पास पावर अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहे और हमारे पास उसके लॉसेज कम रहे, I²R के लॉसेज। देन हम सेकेंड जो बात करते हैं वो रिन्यूएबल पावर जनरेशन है। आज की डेट में हम नहीं, पूरा विश्व, जब से क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ है और डिफरेंट ट्रीटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल के लीडर्स ने साइन करी है, तब से सबका ये एम्फेसाइज है कि हम ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करें। उस ग्रीन एनर्जी में हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम वापस रिप्रोडक्ट किया जा सकता है और जिसका हमारे क्लाइमेट पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। दैट मीन्स कार्बन इमिशन और थर्मल इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे नहीं आता। उनका नाम आपने सब ने सुना है और आज के प्रेजेंट डेट में तो आप सब लोग देखते हैं कि सोलर पीवी सेल हो गए, विंड पावर हो गई, स्मॉल हाइड्रो पावर हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई एटेक्स्ट्रा। इसके अंदर हम देखते हैं सोलर पीवी सेल, आपने देखा होगा कि आपने आस पड़ोस के अंदर छतों के ऊपर लगे होते हैं, उनसे हम पावर सीधे इन्वर्टर के रूप में आपके घर में यूज़ करते हैं। विंड पावर में आप कभी जैसलमेर, जोधपुर की तरफ जाएं या अपने सीकर में जाएं, तो आपने रास्ते में हाईवे पे देखा होगा बड़ी बड़ी माइल्स लगी होती है, वो माइल्स आपको पावर जनरेट करती है ट्रांसफार्मर के थ्रू, उसको अप वोल्टेज में क्या जाता है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पहुँचाया जाता है। अब हम आते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम पे। हमारे इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम 760 वोल्ट तक बन गया है और नॉर्मली हम यहाँ पे 220 और 400 kV यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ राजस्थान हम बात करें तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि 132 kV एंड अबव को हम ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ करते हैं और 132 से लेकर के 33 kV के बीच के जितना भी ट्रांसमिशन होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेते हैं। आपने देखा होगा ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है और पूरे को इंटरकनेक्ट करता है। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। ट्रांसमिशन सिस्टम से हमारे घरों तक जो लाइन आती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ये हमारा 11 केवी केबल फीडर होते हैं तो कई जगह 33 के फीडर होते हैं। आपने आपकी कॉलोनीज में देखा होगा जहाँ पे लाइन आ रही होती है, यानी आपका कॉलोनी का ट्रांसफार्मर होता है, उसके बाहर उस ट्रांसफार्मर तक तो 3 वायर आए होते हैं और आपके घरों तक जाते हैं वो 4 वायर होते हैं। वो ऐसा होता है कि स्टार डेल्टा का डिफरेंस होता है। हमारे पास जो लाइंस ट्रांसमिशन में लेते हैं वो सारी स्टार में होती है, जबकि आपके सप्लाई सिस्टम के अंदर हम उसको 4 वायर सिस्टम बना देते हैं, यानी 3 वायर और एक न्यूट्रल, ताकि जो आपके घरों पे सिंगल फेज लाइन आए उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल लेकर कर दिया जाता है। अब हम इस ऐसे डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का डायग्राम है, इसके अंदर सबसे वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे जनरेशन पॉइंट है, उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर लगा रखा है। ये ट्रांसफार्मर आपको उच्च वोल्टता प्रदान करता है
उच्च वोल्टता के साथ, फिर ये हमारी लाइन ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम भेजते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन के बाद आपका फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हमारे पास लोकेलिटीज़ होती है, जैसे आपकी इंडस्ट्री हो गई, आपके हाउस होल्ड हो गए, वहाँ पर सप्लाई आती है। तो ये पूरा लेआउट प्रैक्टिकल डायग्राम हमने बनाने की कोशिश करी गई है, जिसके अंदर कि किस टाइप से आपके घर पे लाइट आती है। एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ब्लू लाइन है वो ट्रांसमिशन सिस्टम की लाइन है, ग्रीन लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम की लाइन है, और ब्लैक लाइन जनरेशन की लाइन है। तो ये जो है वो आपका जनरेशन सिस्टम है। इस जनरेशन सिस्टम के देखिए तीन वायर आए, आपने ट्रांसफॉर्मर पर इसको इम्पल्स किया, ट्रांसफॉर्मर ने इसको उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज में प्रोवाइड किया, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। जनरली जो हमारे यहाँ पे वोल्टेज हम जनरेट करते हैं वो 10.8 10.6 का राउंड हमारा जनरेट करता है, यानी अप्रोक्सीमेट हम उसको 11 kV मान लेते हैं। उस 11 kV को हम अप करते हैं 132 kV, 220 kV और 400 kV, डिपेंड ऑन द सिस्टम अवेलेबल, यानी हमारे पास ट्रांसमिशन लेवल किस सिस्टम का अवेलेबल है, उस तरह हम इसको स्टेप अप करते हैं। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर है ये इसको स्टेप अप करेगा, डिपेंड करता है, हो सकता है 132 की लाइन हो, 220 की लाइन हो, 400 होगा तो डायरेक्ट 400 कर नहीं सकते, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपका सीधा मान लीजिए 132 की लाइन हो गई, इस 132 ये बड़े बड़े टावर्स होते हैं, इन टावर्स के द्वारा हम क्या करते हैं आपके लाइन्स को वहाँ तक पहुँचाते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपके KTPS से लाइन जनरेट हुई और ये सीधी आपके यहाँ जयपुर आ गई, अब जयपुर आने के बाद सीधा हम उस लाइन को यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करने पड़ेंगे। अब स्टेप डाउन में क्या होगा कि जो आपका हाई वोल्टेज था, सपोज़ करिए 132 था या 220 था या 400 था, उसके हमने कन्वर्ट किया 33 पे और 11 पे, उस 33-11 को हम कन्वर्ट करेंगे फिर 11 पे, और जो आपका कॉलोनी का ट्रांसफार्मर होगा यानी जिस गांव में या मोहल्ले में आप रहते हैं उसके बाहर एक ट्रांसफार्मर जनरेट लगा हुआ आपने देखा होगा, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा 11 kV वोल्टेज थी उसको हम 0.4 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात जो ट्रांसमिशन वोल्ट थी, हम घरेलू लाइट, आपके घरेलू लाइट आपने देखा होगा 230 वोल्ट आपके अप्लायंस पर लिखी होती है, उसी के रूपांतरण में या उसी के सापेक्ष हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो वो जो 3 वायर था उसको हम 4 वायर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 वायर इसलिए करते हैं क्योंकि आपके घरों पे हम जितनी भी सप्लाई लेते हैं वो हम सिंगल फेज करते हैं, 3 फेज़ केवल वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे इंडस्ट्री हो या आपके आटे की चक्की हो, जहाँ पे हैवी लोड हो, बाकी आपके घरों में ऐसा होता नहीं है। तो आपने जनरली देखा होगा आपके घर पे दो ही वायर आते हैं, एक फेज़ और एक न्यूट्रल, तो वो एक फेज़ एक न्यूट्रल लेने के लिए हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर को डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कर लेते हैं। जो स्टार का जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो आपके न्यूट्रल होगा और एक फेज़ कोई सा लेके आपके सप्लाई दे दी जाती है। अब आप देखिए यहाँ पे सब स्टेज कंज्यूमर वाला लोड है, कोई प्राइमरी कस्टमर है जैसे 11 kV के कोई इंडस्ट्री लगी उसमें भी जा सकता है, और आपके सेकेंडरी कंज्यूमर जो अपन लोग होते हैं आम लोग, उसके सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ, देखिए आप ये इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ने कन्वर्ट किया और आपके घर पे सप्लाई दे दी। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर जनरेशन से लेकर के आपके घरों पे ये जो घर आपका दिख रहा है किसी भी अमुक व्यक्ति का, एक व्यक्ति है उसके अंदर घर में आने के बाद आप सब देखते हैं कि एक मीटर लगा होता है, उस मीटर के थ्रू आपके पास सप्लाई आती है और उस मीटर के थ्रू बिजली विभाग, चाहे वो जयपुर डिस्कॉम हो चाहे अजमेर डिस्कॉम हो, वो इसकी सप्लाई को यूज़ करते हैं। ये था हमारा पावर सिस्टम, हमने समझने की कोशिश करी, आप एक बार इसको देखें, और यही आपको परीक्षा में लिखना है। जो परीक्षा में जो बेसिक क्वेश्चन आता है कि पावर सिस्टम का स्केच डायग्राम बनाइए और समझाइए, तो आपको यही समझाना है। इसको आप रेखांकित लाइन डायग्राम में बना सकते हैं, सबसे पहले जनरेशन बना देना, फिर एक लाइन बना देना, उसको ट्रांसमिशन सिस्टम बना देना, देन ये होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।